हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सी टू ई कॉम्पिटिशन टू एजुकेशन। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वो सारे रीजंस कि क्यों आपको ओलंपियाड एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्या क्या बेनिफिट है ओलंपियाड एग्जाम्स के। अभी हाल ही में मैंने वीडियोस पोस्ट किए थे, दो वीडियोस आए थे ओलंपियाड एग्जाम्स को लेकर के। एक आया था इंडियन टैलेंट ओलंपियाड पे और दूसरा मैंने आपको बताया था बेस्ट 5 ओलंपियाड्स इन इंडिया। तो इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए यह वीडियो लेके आई हूँ मैं। स्टूडेंट्स को इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि कोई भी अपडेट्स आप यहाँ मिस ना करें। हम कॉम्पिटिशन और एडुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ बनाते रहते हैं, तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि आपको ओलंपियाड में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहिए। ऑलरेडी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है हमारी रेगुलर एकेडमिक्स में, तो आखिर फिर क्यों स्टूडेंट्स ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करेंगे। जब भी हम ओलंपियाड के बारे में सुनते हैं, जानते हैं, तो हमें लगता है कि ठीक है, क्यों एक्स्ट्रा बर्डन लिया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ओलंपियाड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर आप किसी भी ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं तो इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट किए हैं 5 बेनिफिट्स, इसके अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, पर मेन 5 बेनिफिट्स मैं यहाँ आपको बताती हूँ। फर्स्ट बेनिफिट, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट। ओलंपियाड एग्जाम्स अगर आप देते हैं तो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। हम अगर स्कूल के एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो उसमें जो हम इफ़र्ट डालते हैं और जो हम ओलंपियाड या फिर कोई भी दूसरे एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं अपार्ट फ्रॉम रेगुलर एग्ज़ाम्स, तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ना होता है। इससे हमारी जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होती है, हमारी जो बेसिक नॉलेज है वो बिल्डअप होती है, लर्निंग इन्हांस होती है, और इससे आपकी जो बेस है वो और मजबूत बनेगी। क्योंकि अभी जो स्कूल एज में स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी फाउंडेशन में आगे आपकी पूरी एकेडमिक्स डिपेंड करती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहे। और ओलंपियाड एग्ज़ाम्स देने का फ़ायदा ये होता है कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है किसी भी टॉपिक पे, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। सेकेंड बेनिफिट, हेल्प्स इन अदर कॉम्पिटिशंस। स्कूल स्टूडेंट्स जो होते हैं उन्हें कम कंपटीशन फेस करना होता है, लेकिन जब आप 10th पास आउट हो जाते हैं या फिर आप 12th पास आउट हो जाते हैं तो फिर आपको एंट्रेंस टेस्ट देने पड़ते हैं जो कि रियल टेस्ट होते हैं। फ्रेंड्स, इसी टेस्ट में आपको जज किया जाता, इसी टेस्ट से पता चलता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ आप स्टैंड करते हैं जब आप ओपन वर्ल्ड में आते हैं। उसकी पहले से अगर कोई तैयारी नहीं होती है तो थोड़ा सी डिफ़िकल्टी होती है, लेकिन आप एग्ज़ाम्स पहले से देते हुए आते हैं लाइक ओलंपियाड एग्ज़ाम्स, टैलेंट सर्च एग्ज़ाम्स, तो इससे आपको कंपटीशन का अंदाज़ा हो जाता है। पहले से आप कुछ प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि आगे भी आपको ये फेस करना है। तो ये सेकेंड बेनिफिट होती है ओलंपियाड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने की। थर्ड बेनिफिट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आप ओलंपियाड एग्ज़ाम्स देते हैं तो आप पढ़ते हैं, आप और ज़्यादा समझते हैं, तो इससे आपकी जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होती है। ज़रूरी नहीं है कि आप जीत जाएं, लेकिन आप जब भी कुछ भी पढ़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको आगे भी बेनिफिट मिलता है उसका। अगर आप इसमें कुछ जीतते हैं तो तब तो क्या कहने, तब तो आपकी कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा ऑब्वियसली बढ़ जाती है। लेकिन नहीं भी अगर जीत पाते हैं तब भी बाकी कलीग से एक अपर हैंड में रहते हैं, क्योंकि आपने वो चीज़ पढ़ लिया है, पहले से उसके बारे में फेस कर लिया है, तो इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। बेनिफिट की बात करें तो इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, एनालिटिकल स्किल्स, स्पीड और एक्यूरेसी, ये सभी चीज़ें इंक्रीज होती है। क्योंकि रेगुलर एग्ज़ाम्स में एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ाया जाता है, एक सिस्टमेटिक वे में वो कंडक्ट किया जाता है, लेकिन जब आप ओलंपियाड जैसे एग्ज़ाम देते हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा देना होता है। इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी बढ़ती है, लर्निंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है, आप एनालिसिस कर पाते हैं, रीजनिंग कर पाते हैं, आपको एक टाइम लिमिट दिया जाता है जिसके अंदर आपको करना होता है, तो आपकी स्पीड बढ़ती है, एक्यूरेसी बढ़ती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ओलंपियाड एग्ज़ाम देने का। नेक्स्ट बेनिफिट्स की बात करें तो कुछ एडिशनल और बेनिफिट्स भी होते हैं। लाइक फ्रेंड्स, आप ओलंपियाड एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको चांस मिल सकता है अपनी स्टेट को रिप्रेजेंट करने का, या फिर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करने का, स्टेट को या फिर नेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है।
और इससे आगे जा करके आपको यह बिल्कुल एडवांटेज देता है और सीखने के साथ साथ आपको बहुत कुछ जीतने को मिलता है, लाइक बहुत सारे सर्टिफिकेट्स आप यहाँ पे जीत सकते हैं, बहुत सारे मेडल्स जीत सकते हैं, कैश प्राइजेस जीत सकते हैं। फ्रेंड्स, एक एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगी जो मैंने आपको बताया था इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का। ये मैंने इस पर एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर, ये अवेलेबल है। ये इंडिया का सबसे बिगेस्ट ओलंपियाड है, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स, रिकॉर्ड स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसके रिजल्ट्स भी आ चुकी है, मैं यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे अवार्ड सेरेमनी है जो कि कंडक्ट की जाती है इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के साथ। आप देख सकते हैं इंडियन टैलेंट ओलंपियाड के साइट से किसी भी स्टूडेंट्स के लिए इस तरह से फेलिसिटेट होना एक बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पे आपको अवार्ड्स मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, एक रिकॉग्निशन मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है ओलंपियाड्स के। इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की बात करें तो यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यह एनुअली मंथली दोनों टाइम्स में कंडक्ट किया जाता है। इसमें आपको वर्क बुक्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस पेपर्स मिल जाते हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और अगर आप इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो बहुत कुछ आप यहाँ पे जीत भी सकते हैं। अवार्ड्स की पूरी जानकारी मैंने एक उस वीडियो पे बताई है, जो वीडियो मैंने इस पे पहले बनाया हुआ है वो आप देख सकते हैं पूरा। मैं दिखाती हूँ इंडियन टैलेंट ओलंपियाड का जो फंक्शन हुआ था उसके बारे में, अवार्ड सेरेमनी हुई थी उसका। ओलंपियाड्स में आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट में टेस्ट दे सकते हैं, लाइक यहाँ पे इंडियन टैलेंट ओलंपियाड की बात करें तो यहाँ पे आपको साइंस ओलंपियाड मिल जाता है, मैथ्स ओलंपियाड मिल जाता है, इंग्लिश ओलंपियाड मिल जाता है, जनरल नॉलेज मिल जाता है, कंप्यूटर, ड्राइंग, ऐसे सोशल स्टडीज ओलंपियाड्स मिल जाते हैं। आप अपने फेवरेट कैटेगरी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओलंपियाड में नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, स्कूल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवार्ड्स है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा कि ओलंपियाड के क्या क्या बेनिफिट्स है। आपको कुछ ना कुछ रीज़न तो ज़रूर यहाँ पे मिला होगा ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करने का। अगर आप अभी तक कंफ्यूज थे कि ओलंपियाड में आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपको कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी कि अगर आप ओलंपियाड में पार्टिसिपेट करते हैं, जीतते चाहे हारते हैं तो भी आप कुछ न कुछ ज़रूर सीखते हैं। तो आप कभी भी किसी भी कंपटीशन से न डरे, भले ही वो किसी भी लेवल का कंपटीशन हो। आप हर कंपटीशन में एक बार हार सकते हैं पर बार बार नहीं हार सकते। पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि जीतने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सीखना। तो दैट्स इट फॉर दिस फ्रेंड्स, आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने फीडबैक हमारे साथ जरूर शेयर करें और ऐसे अपडेट्स पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। यूट्यूब के अलावा आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम पे और साथ में फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड टेक केयर।